अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, PSL 9 के आगाज से पहले ही मुल्तान सुल्तान को बड़ा धचका लग गया। दो अहम बॉलर बाहर हो गए। अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को लाजमी दबा दें। चलिए दोस्तों तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों HPL PSL पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 से पहले ही मुल्तान सुल्तान को बड़ा धचका लगा है। तफसीलात के मुताबिक मुल्तान सुल्तान अपने दो अहम फास्ट बॉलर से महरूम हो गई है। फास्ट बॉलर एहसानुल्लाह और रेस टोपली इंजरी के वजह से मैचेस में दस्तियाब नहीं होंगे। इस बात की तस्दीक मुल्तान सुल्तान की मैनेजमेंट ने भी कर दी है। दोस्तों मुल्तान सुल्तान के मालिक ने एहसानुल्लाह और टोपली की अदम मौजूदगी को बड़ा धक्का करार दिया है। मुल्तान सुल्तान की इंतजामिया ने भी न्यूज से बातचीत में इस बात की तस्दीक की है कि PCB ने एहसानुल्लाह के बारे में रिपोर्ट दी है कि वो इंजरी से 100% फिटनेस नहीं पा सके, उनको मजीद रेस्ट की जरूरत है। बेहतर यही है कि PSL में उनको खिलाने का रिस्क नहीं लिया जाए। दोस्तों दूसरी जानिब इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने भी रेस टुपली के इंजरी से मुकम्मल निजात ना पाने के बारे में इतला दी है। PCB का मौकूफ है कि टुपली को आराम का मौका दिया जाए। दोस्तों वाजिर है कि पाकिस्तान सुपर लीग PSL का आगाज 17 फरवरी से होगा। मुल्तान सुल्तान की टीम 18 फरवरी को अपना पहला मैच कराची किंग्स के खिलाफ मुल्तान स्टेडियम में खेलेगी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो, और अगर आप क्रिकेट के मुतालिक हर आने वाली नई अपडेट सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को लाजमी दबा दें। चलिए दोस्तों।